नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रियलगढ़ में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक नई मेड इन इंडिया वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश के एक ऐसे ब्रांड जिसके अंदर 50-60% कंपोनेंट्स चीनी यूज़ होते थे। और दोस्तों ये ब्रांड इंडिया के अंदर एक बहुत पॉपुलर मार्केट को कवर करता था, लेकिन अब इसमें 50-60% यूज़ होने वाली चीनी कंपोनेंट्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। और यहाँ पर न्यूयॉर्क की कंपनी की तरफ से एक भारी निवेश के साथ मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की तैयारी बना ली गई है। दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो में सारी जानकारी, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा रोजाना ऐसे ही मेड इन इंडिया वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, और जितने भी हमारे देश के अंदर होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उन सभी में बहुत सी चीज़ें चीनी यूज़ होती थी, लेकिन हम जिन चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं और देश के अंदर ही उन सभी कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। दोस्तों इन्हीं सबके बीच में हम बात करें इंडियन ब्रांड बोट के बारे में। दोस्तों ये देश के अंदर ईयरफोन, स्पीकर और तरह तरह के वायरलेस डिवाइसेस को सेल करते हैं। लेकिन दोस्तों हम बात करें इस कंपनी को लेकर के, तो ये कंपनी इंडियन है बट इसके अंदर यूज होने वाले कंपोनेंट्स 50-60% जो है वो चाइनीज होते थे। लेकिन दोस्तों अब यहां पर ऐसा नहीं होगा, इस कंपनी को न्यूयॉर्क की कंपनी फॉर्बर पिंकस की तरफ से 300 मिलियन का निवेश किया गया है, और यहाँ पर ये कंपनी अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बड़ा करेगी। और इसके साथ में इन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी जो कि चीन से इंपोर्ट किए जाते थे। अब दोस्तों ये ब्रांड फुली मेड इन इंडिया होने वाला है। तो दोस्तों बोट के संस्थापक अमन गुप्ता जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताते हुए कहा कि यहाँ पर यह सारा काम PLI स्कीम के तहत किया जाएगा और चीन से कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। हम पूरी उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हों वो सारे के सारे मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का मेड इन इंडिया वीडियो। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे देश की जितनी भी कंपनियाँ हैं अगर अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कोई भी चीनी प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं तो वो कोशिश करें कि देश के अंदर ही उन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा सके ताकि कई लोगों को रोज़गार मिले, उसके साथ में पूरा प्रोडक्ट मेड इन इंडिया बन जाए। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।